बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस के घर गणपति पूजा में पहुंचे। जैसे ही सीजीआई के घर से मोदी की गणपति आरती की तस्वीर आई, विपक्ष परेशान हो गया। विपक्ष चीफ जस्टिस के घर प्रधानमंत्री के जाने पर सवाल उठा रहा है। सवाल प्रधानमंत्री पर उठाते तब भी ठीक था, लेकिन विरोध की राजनीति में उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने देश के चीफ जस्टिस की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारे जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए। न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा ऐसा लगता नहीं। चीफ जस्टिस के घर प्रधानमंत्री के गणपति वंदन पर सिर्फ संजय राउत ही नहीं, आरजेडी भी सवाल उठा रही है। पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि हर संस्था की स्वतंत्रता सिर्फ सैद्धांतिक नहीं होती बल्कि उसे देखा जाना चाहिए। गणपति पूजा एक निजी मसला है, लेकिन आप कैमरा लेकर जाते हैं, इससे जो संदेश जाता है वो सहज करने वाला है। 80 में जब इंदिरा जी चुन के आई तो उन्होंने कांग्रेचुलेटरी मैसेज किया था इंदिरा जी को, बाकी जजेस ने एक्सेप्शन लिया, ये हमारा काम नहीं है। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये दिखना भी चाहिए। गणपति पूजा में ये बहुत ही व्यक्तिगत है, आप कैमरा लेके जा रहे हैं, मैसेज असहज करता है, मेरा सिर्फ इतना कहना है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री जी भी छोटे नहीं है, बहुत बड़े आदमी हैं। अब उन लोगों ने अगर संवैधानिक व्याख्या के बावजूद ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में रिलीज की तो मैं क्या ही कहूँ। विपक्ष हमलावर हुआ तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष की बखिया उधेड़ दी। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी भारत विरोधी, इल्तहान उमर से मिले तो ठीक, जॉर्ज सोरेस से मिले तो भी ठीक, चीन के कसीदे गड़े तो भी ठीक, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिले तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पे आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान उमर से मिलते हैं उस पे आपत्ति नहीं है, सी जिनपिंग जी के साथ गुफ्तगू करते हैं, जॉर्ज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। शायद ये आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, ये आपत्ति गणपति पूजा से है। पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? उस समय जब एक टेबल पर बैठ के दोनों की बात हो सकती है, वह भी एक त्योहार है, यह भी एक त्योहार है, दोनों त्योहारों के बीच ये पार्थक्यता क्यों है? सुल्तानपुर डकैती कांड को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, और इसी बीच यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने पहली बार आरोपियों के नाम और उनके सीसीटीवी फुटेज के साथ तस्वीरें दी। एसटीएफ चीफ ने बताया कि उनकी कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष है, मंगेश यादव डकैती में शामिल था, इसके सबूत उनके पास है। इस घटना को कारित करने के लिए दो मोटरसाइकिल को जौनपुर से चोरी किया गया था, इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी, चोरी में यह व्यक्ति शामिल था, साथ ही अजय और डीएम भी चोरी में शामिल थे, वो दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर, इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। यूपी पुलिस जब लखनऊ में सबूत पेश कर रही थी तब अखिलेश यादव मंगेश यादव एनकाउंटर पर नई थ्योरी गढ़ रहे थे। इतने सबूतों के बावजूद भी अखिलेश यादव मंगेश यादव के एनकाउंटर को फेक बता रहे हैं। उनका कहना है कि मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या की गई है। एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में, और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं।
हत्या की जा रही है। जो मुकेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया। और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी, कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई। उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव मंगेश यादव एनकाउंटर के जरिए योगी सरकार को घेरने में लगे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग समाज को जाति के नाम पर बांटने और अराजकता फैलाने में लगे हैं, उन्हें गरीबों का दंश कैसे पता चलेगा। इस जाति के नाम पर लड़ाने वाले समाज में सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित करने वाले लोग एक गरीबी की दंश को क्या झेल पाएंगे, क्या समझ पाएंगे। इन लोगों ने जिन्होंने शोषण किया हो, जिन्होंने अराजकता फैलाई हो, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी हो, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे पीओसी बोर्ड से जुड़े हुए रजिस्टर्ड श्रमिक या इन निराश्रित बच्चों जिन्होंने कोविड कालखंड में अपने माता पिता या अभिभावक को खोया है, उन लोगों की पीड़ा को ये लोग कहां समझ पाएंगे।